स्टेज पे बैठे सारे मेरे दोस्त पदाधिकारी बुजुर्ग, सामने बैठे हुए मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, आज संविधान बचाओ हमने ये कार्यक्रम सतीश चौहान साहब ने रखा है। क्यों रखा है कि कहीं ना कहीं संविधान खतरे में है। हम इस मुल्क को सेकुलर मुल्क को सेकुलर की तरफ लेके जाना है और ये भाजपा आरएसएस ये संघ इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे और उसमें नुकसान सबसे ज्यादा मुसलमानों का हो रहा और दलितों का हो रहा। ये बात समझने की जरूरी है। हर बात ये बात बोलना नहीं रहता कि कुछ पार्टियां है, लोकल पार्टियां है, बाहर के पार्टियां ये बोल रही कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या करी क्या करी, 70 साल में क्या करी, ये छोड़ो 4.5 साल में ये संघियों ने तुम्हारा क्या हाल करके रखा। ये सोचो तुम्हारी शरीयत में मदाखिलत, तुम्हारी अजान पे पाबंदी, तुम क्या खाना कौन सा गोश्त खाना उनके ऊपर तय, तुमको बुरखा पहनना नहीं पहनना, दाढ़ी रखना नहीं रखना। अरे 70 साल में क्या करी तो 4.5 साल में क्या कर रहे। अगर चे अभी भी नहीं सुधरेंगे तुम तो ये मुल्क हिंदू राष्ट्र की तरफ जाएगा। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, हम कभी भी सेकुलर के साथ जाना है, ये मुल्क सेकुलर है। हमने सतीश चौहान साहब से कहा था कि भाई हमको ये प्रोग्राम रखना है क्योंकि हमको हमारे देश की हमारे मुल्क की हमारे शहर की फिक्र करना है। और शहर में मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ, कुछ कुछ हमारी गलतियों से कुछ हमारी नादानियों से ये अदर स्टेट के लोग यहाँ पे आए, हमारी भी नाराजगी थी थोड़ी बहुत, हमने उनको वोट दिया उनको सर पे बिठाया, अब वो अपनी जागीर समझ रहे। मैं बता रहा हूँ आपको ये फिक्र की बात है। सोशल मीडिया पे कमेंट डाल रहे हैं, ये कितना भी कर लो क्या भी कर लो ये आवाम सुनने वाली नहीं है औरंगाबाद की। अरे शर्म आना, ये प्रोग्राम भाजपा के खिलाफ है, सेना के खिलाफ है, आरएसएस के खिलाफ है, तुमको तकलीफ क्यों हो रही, तुम्हारे खिलाफ है क्या? और ये बोल रहे हैं कि पैसे दे के ला रहे 300 रुपए दे के ला रहे, अरे शर्म आना तुम्हारे को। अरे हम मुसलमानों की दलितों की इस शहर की फिक्र में हमने ये प्रोग्राम रखा, बड़ी मुश्किल से रखा, बड़ी मुश्किल से टाइम लिया और तुम्हारे को मजाक छूट रहा। मेरे को तो ऐसा दिखता तुम ही मिले हुए, तुमको भाजपा जब तक चलते रहेंगी तुम्हारी दुकान चलते रहेगी, मेरे को तो ये दिख रहा है। मैं नाम लेके बैठा, अरे बड़ा अफसोस होता, अरे तुम्हारे को इतना भी ख्याल नहीं है, अरे तुम ठीक है औरंगाबाद में सेफ है, जाके देखो नार्थ में, जाके देखो नार्थ में क्या हाल है मुसलमानों का, क्या 100-200 मुसलमान है उनको गांव खाली करना पड़े, उनके खेतों पे कब्जे हो गए, घरों पे कब्जे हो गए, वो शहरों में भीख मांग रहे मजदूरी कर रहे। ये संघियों का इतना बड़ा जुल्म है। जब तक हम इनको इस मुल्क से नहीं भगाएंगे, और इसकी ताकत एक ही है कि हमको वोट के जरिए काम करना पड़ेगा, समझदारी से काम करना पड़ेगा, वरना देखो मुसलमानों तुम्हारे को मैं समझा रहा हूँ बहुत पछताएंगे, खून के आंसू रोएंगे तुम, इनकी उनकी उनकी इनकी इसमें मत आओ, बातों में मत आओ। दलितों को क्या हाल कर दिए, क्या हाल कर दिए, आप देखो वीडियोस किस तरीके से मार रहे, किस तरीके से घरों को जला रहे हैं। रही बात, तुम महाराष्ट्र में 2 चुन के आए क्या, 20 चुन के आए, कुछ उखाड़ने वाले नहीं है। याद रखो हम सेकुलर ताकत के साथ जाएंगे। और अगर ये बोल रहे कि फिर आके ये करें, फिर आके ये करेंगे तो फिर सत्ता से हटेंगे, फिर आवाम बताएंगे, मगर हम तुम्हारे को ये बता रहे कि हमको सेकुलर ताकत के साथ जाना जरूरी है। इनके उनकी बातों में मत आओ, भड़का बातों में मत आओ, ये एजेंट है मैं बता रहा हूँ बीजेपी के। बस मेरे को कुछ तकरीर करने आती नहीं, मैं अपने दिल की बात जो है वो आप लोगों के सामने रखा हूँ, यही बोल के मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।